12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 8 दिन शेष। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो, अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मांगे जा रहे वोट। प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल के दौरे पर। इस दौरान प्रधानमंत्री सोलन के ठोडो मैदान में करेंगे चुनावी रैली, सुंदरनगर में भी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा 6 नवंबर को शिमला में जारी करेगी अपना दृष्टि पत्र। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। वहीं कांग्रेस कल शिमला में जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, जबकि माकपा पहले ही जारी कर चुकी है अपना चुनावी घोषणा पत्र। सतर्कता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का किया जा रहा आयोजन। इसी कड़ी में आज शिमला के गेयटी थिएटर में वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने एंटी करप्शन ब्यूरो की वेबसाइट की लॉन्च। अब लोग भ्रष्टाचार की सूचना भी दे सकेंगे ऑनलाइन। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत नाचन विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात मतदान कर्मियों की दूसरी चुनावी रिहर्सल आज संपन्न। इस चुनावी रिहर्सल में 632 मतदान कर्मी और 13 सेक्टर अधिकारियों ने लिया भाग। एनआईटी हमीरपुर के विशेषज्ञ और शोधार्थी अब जल विद्युत, सौर और पवन व हाइड्रोजन बैटरी भंडारण क्षेत्र में करेंगे अनुसंधान। एनआईटी हमीरपुर कल सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ एमओयू करेगा साइन। अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी मेले का आज दूसरा दिन। एकादशी के पावन अवसर पर पवित्र रेणुकाजी में आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रदेश में पिछले कुछ समय से मौसम आमतौर पर साफ, हालांकि सुबह शाम के तापमान में गिरावट जारी। आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल 5 नवंबर को वर्षा और बर्फबारी की संभावना।